महो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेश्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। शिष्य ने जब आचार्य को आकर यह बात कही कि हमने ब्रह्म को अच्छे से जान लिया, तो आचार्य के मन में थोड़ी शंका हुई कि इसने ठीक से जाना है कि नहीं। पीछे बताया था कि ब्रह्म जो है वो विदित से अन्य है, लेकिन लगता है इसने ब्रह्म को विदित बना लिया, वेद्य बना लिया। तो भाष्य का आचार्य कहते हैं, आपने ब्रह्म को परिच्छिन्न मान लिया है, सीमित मान लिया है, अल्प मान लिया है, किसी आकार में ब्रह्म को तुमने समझ लिया, या तो किसी देव के आकार में या स्वयं के आकार में। उसको यहां पर दो शब्द दिए हैं, आध्यात्मिक अहम या आधिदैविक अहम। ब्रह्म को तुमने या तो आधिदैविक मान लिया, मतलब किसी देव को ब्रह्म मान लिया, या फिर इस परिच्छिन्न आकार में ही ब्रह्म है ऐसा तुमने मान लिया है। तो तुमको क्या करना चाहिए? मीमांसा और करनी चाहिए। जैसे हमने कल देखा था, वह एकांत में जाकर मनन करता है और फिर वह सही प्रमा को प्राप्त करके आकर गर्जना करता है, बोले अब मेरे ज्ञान में कोई फॉल्ट नहीं है, दोष नहीं है, मन्ये विदितम्। इस मंत्र का आखिरी वाक्य है, मन्ये विदितम्। ये शिष्य ने बोला है कि अब मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने बिल्कुल ठीक समझा है, जैसा समझना चाहिए। अब इसके ऊपर भगवान भाष्यकार ने सुदीर्घ भाष्य लिखा है और कल हमने चर्चा की कि आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यदि मन्यसे, यदि तुम ऐसा मानते हो, मतलब आचार्य को शंका है कि इसने ठीक से जाना नहीं है, इसलिए उसको वापस वो भेजते हैं। अब इस यदि शब्द की हमने चर्चा कल की, बोले यह जो तत्व है दुर्विज्ञेय है, गूढ़ है, सूक्ष्म है, तो हर व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर पाता। जब नचिकेता ने यमराज जी से इसके बारे में पूछा कि आप आत्मा को ज्ञान दीजिए, तो वहां पर यमराज जी भी नचिकेता को कहते हैं कि तुम दूसरा प्रश्न पूछ लो, ये मत पूछो,
क्योंकि ये देवताओं को भी समझ में नहीं आता ऐसा वो यमराज जो है। संसार का कुछ प्रश्न हो वो पूछो, क्योंकि ये अति विषम है, दुर्गम है, दुरूह है, कठिन है। हम लोगों को स्थूल चीजों के साथ रहने की आदत हो जाती है, बुद्धि को भी उसी तरह की आदत होती है स्थूल विषयों का चिंतन करने की। कल हमने देखा कि जिसकी मेधा सुमेधा नहीं है और जिसके अंतःकरण में जो विकार इत्यादि है वो अभी समाप्त नहीं हुए हैं, तो फिर भले ही आचार्य ब्रह्मदेव ही क्यों ना हो, ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, बृहस्पति क्यों ना हो, हमको समझ में आएगा नहीं। तो दोष प्रमाण में नहीं है, प्रमाता में है। प्रमाता मतलब जो साधक। कल यहां पे हमने चिंतन किया, भगवान भाष्यकार ने इसी बिंदु को बताने के लिए इंद्र और विरोचन का उदाहरण दिया। ब्रह्मा जी जिनके आचार्य है, लेकिन विरोचन देखिए गलत प्रतिपत्ति को प्राप्त हो गया। बताया कुछ था और समझ गया वो कुछ और ही। नेत्रों में रहने वाला आत्मा है, नेत्रों के पीछे आत्मा है, मतलब इस शरीर में उपाधियों में जो चेतना दे रहा है वो आत्मा है, लेकिन उसने शरीर को ही आत्मा मान लिया, तो ये दुर्घटना घटती है। इसलिए यहां आचार्य जरा ठोक पीट के उस शिष्य को देखते हैं कि इसने ठीक से समझा है कि नहीं। कल हमने देखा ये 52वें पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति है मध्य में कि लोके अपि, जैसे वो उपनिषद में बताया कि इंद्र को ज्ञान हुआ विरोचन को नहीं हुआ, तो बोले लोके अपि एकस्मात् गुरोः शृणुवताम्। एक ही गुरु से सब लोग सुनते हैं। प्राचीन काल में भी देखिए गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें अनेक शिष्य बैठते थे एक साथ, तो एकस्मात् गुरुः शृणुवताम्। कश्चित् यथावत् प्रतिपद्यते, कुछ लोग तो बिल्कुल 100%, जैसे नचिकेता ने पूरा के पूरा रिपीट कर दिया जो यमराज जी ने बताया था, ऐसा वर्णन आता है। और यमराज जी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज मुझको आप ऐसे शिष्य भेजिए, ये नहीं कि बताया कुछ जा रहा है समझ रहे हैं कुछ उल्टा या कुछ अन्य। कश्चित प्रतिपद्यते, कश्चित यथावत, तो बोलते हैं आधा अधूरा समझ में आया। तीन प्रकार की बुद्धि बताइए भगवत गीता के 18वें अध्याय में। और सात्विक बुद्धि का यही लक्षण है कि यथावत जानाति, और एक है अयथावत जानाति। रजोगुण से आक्रांत बुद्धि है तो आधा ग्रहण होगा आधा नहीं होगा, अयथावत। कश्चित विपरीतम, कुछ लोग बताया जा रहा है कुछ उसके विरुद्ध ही समझ लेते हैं। ठीक, अभी विरोचन का उदाहरण हमने देखा। समाज में भी लोग मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं,
और कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, कश्चिन न प्रतिपद्यते लोके, ये लोक में होता है। तो चार तरह के श्रोता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है, कुछ लोग जो है कहीं कहीं से पढ़े हुए रहते हैं, सुने हुए होते हैं, और वो जब श्रवण करते हैं तो जो पीछे सुना हुआ है उसके प्रकाश में जो अभी सुन रहे हैं वो देखते हैं या समझने का प्रयत्न करते हैं। कुछ अर्थ उन्होंने पहले ही समझ लिए हैं, आधे अधूरे गलत। अब आचार्य किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके भीतर उस शब्द का पहले एक अर्थ बना हुआ है। आत्मा शब्द का एक अर्थ उन्होंने समझा हुआ है, और अब यहां पे जो आचार्य बता रहे हैं फिर उस अर्थ से या तो मेल नहीं खाता या कुछ अलग ही लगता है, फिर लोगों को भ्रम होता है। इसलिए सबसे अच्छा श्रोता तो वो होता है जो जिसकी स्लेट एकदम कोरी है, जिसने कुछ भी नहीं सुना हुआ है, वो बहुत बढ़िया होता है। नहीं तो क्या है, अभी समाज में इतने पुस्तक उपलब्ध हैं, इतने वक्ता हैं, इतने पंथ हैं, और सब लोग अपना पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सब खिचड़ी हो जाता है। इसलिए फिर उपनिषद का आचार्य जो बताना चाह रहा है वो उनको समझ में आता नहीं या कुछ और ही समझ लेते। तो शंकराचार्य जी के समय भी ऐसे लोग रहे होंगे, इसलिए उन्होंने लिखा है न प्रतिपद्यते अयथावत प्रतिपद्यते। और हर ग्रंथ का एक थॉट डेवलपमेंट होता है, एक विचार क्रम होता है, उस क्रम से हम समझे तो बिल्कुल ठीक समझ में आता है। तो एक विचार चल रहा है, कहीं से दूसरा विचार उसमें घुसा दिया, अरे उस किताब में तो ये लिखा है। हमारे स्वामी जी सुबोधानंद जी कहते रहे, बोले वर्ण संकर से घातक विचार संकर है, इधर उधर के विचार मिला मुलू के लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारे स्वामी जी कहते रहे हैं, वो तो बिल्कुल कहते रहे थे, बोले अभी आप लाइब्रेरी में मत जाइए। जब हम लोगों ने वेदांत कोर्स ज्वाइन किया, कहते थे मत पढ़िए इधर उधर की बातें, अभी जो सुनाया जा रहा है बस उसको पहले पढ़िए, उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। तो इस ग्रंथ में शरीर का अर्थ वो है, आत्मा का अर्थ वो है, फिर उसको इसमें घुसा रहे हैं, उससे जो विचारों का अनुशासन है वो बिगड़ता है। तो इसलिए यहां भाष्यकार ठीक ही कह रहे हैं, अलग अलग रूप से लोग समझ लेते हैं। अच्छा, और ये तो हुई सामान्य लोगों की बात, अब आप सुनिए आगे। किमु वक्तव्यम, अगली पंक्ति देखिए, किमु वक्तव्यम अतीन्द्रिय आत्मतत्वम। बोले ये विषय अतीन्द्रिय है, इसको बड़े धीरे धीरे एक एक शब्द को समझना पड़ता है, जल्दीबाजी में नहीं बात समझ में आती। और यहां पर लिखते हैं सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए, अत्र ही विप्रतिपन्ना सद असद वादिनः तार्किकाः सर्वे। बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, बोले बड़े बड़े लोग भी इस आत्मा को समझने में गलती कर लेते हैं, विप्रतिपत्ति हो जाती है, जैसा स्वरूप है उसका वैसा न समझ के कुछ अन्य समझ लेते हैं। बोले कौन लोग हैं ये, बोले सत असतवादी, सतवादी है। अब ये सब जरा दर्शन का क्षेत्र है, फिलोसॉफी का, नव दर्शन बताए गए हैं, तो उसमें कोई सदवादी है, कोई असतवादी है, कोई शून्यवादी है, कोई क्षणिकवादी है,
असत ख्याति, सत ख्याति, अब ये सब दार्शनिक शब्द है। और सतवादी मतलब सांख्य दर्शन वाले, योग दर्शन वाले, वो सतवादी है, आत्मा को सत मानते हैं। कोई असतवादी है, असत मानते हैं। कोई शून्यवादी है, आत्मा को शून्य मानते हैं। तो अब ये अलग अलग दर्शन में चिंतन किया हुआ है। तो न्याय दर्शन, तार्किक मतलब न्याय दर्शन, धुआंधार तर्क किया है उसमें, लेकिन उनकी प्रतिपत्ति क्या है? प्रतिपत्ति ये है कि आत्मा जो है जड़ है, ये बोल दिया उन्होंने। नैयायिक लोग आत्मा को चेतन नहीं मानते, जड़ मानते। अब बताइए, शून्यवादी लोग आत्मा को शून्य मानते हैं। फिर सांख्य योग में आत्मा को सत तो माना, लेकिन अनेक मान लिया उन्होंने। देखो भी प्रतिपत्ति हो गई, आत्मा में अनेकता मानते हैं, चैतन्य अनेक है ऐसा मान लेते हैं। अभी मैं केवल संकेत कर रहा हूं, विस्तार में नहीं जा रहा हूं, यहां केवल एक पंक्ति लिखी है, इसलिए हम बता रहे हैं कि इस आत्मा को लेकर बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग भी गलत प्रमा बना लेते हैं। तो फिर सामान्य व्यक्ति की क्या बात? तो सद असदवादिनः तार्किकाः सर्वे, इसलिए तस्मात्। अगला वाक्य देखिए, ये दुर्घटना घटती है बड़े बड़े लोगों के साथ, इसलिए तस्मात् अविदितं ब्रह्म इति सुनिश्चित उक्तमपि विषम प्रतिपत्तित्वात् यदि मन्यसे इत्यादि साशंकं वचनं युक्तम् एव आचार्यस्य। बोले इसलिए ये जो ब्रह्म है, जो कि अविदित है, ध्यान सुनना, अविदित है वो, उसको ये शिष्य आके कहता है हमने जान लिया, जान लिया। बोले है इसने जान लिया है, हमको थोड़ा डाउट है। सुनिश्चित उत्तम अपि, बड़े विश्वास से कह रहा है कि मैंने अच्छे से जान लिया। बोले विषम प्रतिपत्तित्वात्, विषम प्रतिपत्ति, इसके और टिप्पणी लिखी है नीचे, विषम प्रतिपत्तित्वात् दुर्बोधत्वात् वस्तुना, दुर्बोध है, ठीक से समझ में ये आता नहीं। तो इसलिए ये जो कह रहा है हमने जान लिया, जान लिया, अच्छे से जान लिया, तो भाष्यक आचार्य कहते हैं जरा देखना पड़ेगा। इसलिए यदि मन्य से इत्यादि साशंक वचनम युक्तम एव आचार्यस्य, इसलिए आचार्य ने यदि शंका की है उसके ज्ञान के ऊपर, तो बोले ये बिल्कुल युक्त ही है। तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दुरु है, विषम है, फिर सब लोगों में दोष बने हुए हैं, तो दोषग्रस्त मन से सुने तो गलत ग्रहण हो जाता है। तो इसके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हुआ होगा, इसलिए शंका वाला जो वचन बोला है, इट इज राइट, करेक्ट। तो युक्तम एव आचार्यस्य, आचार्य ने क्या बोला? तो भाष्यकार यहां श्रुति को बोलते हैं, श्रुति में शब्द आया, दहरम अल्पमेव नूनम तुम वेत्थ। बोले हो शिष्य महाराज, आपने अल्प ही जाना है, अभी थोड़ा और मेहनत करो। दहरम, देखो श्रुति में क्या शब्द आया है, यदि मन्य से सुवेदेति दहरम एवापि नूनम, नूनम मतलब निश्चितम, दहरम, दहरम मतलब अल्पम, दहरम का कहीं कहीं दभ्रम भी आया हुआ है किसी किसी पाठ में, किसी किसी पुस्तक में। तो अल्पम,
तुमने ब्रह्म के अल्प रूप को ही जाना, ये आचार्य कहते हैं। अच्छा, अब इस तरह ये साशंक वचनम बोले हैं, तो यहां पर पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न कर दिया, बोले आचार्य यहां कह रहे हैं कि उस शिष्य ने अल्प जाना, तो पूर्व पक्ष कहता है किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि, क्या ब्रह्म के अनेक रूप है क्या, महांतय अर्वकाणि च, महांत अर्वकाणि च, बोले एक बड़ा रूप है ब्रह्म का, एक अल्प रूप है जिसके कारण आप कह रहे हो येन आह दहरमेव इत्यादि, बोले जिस कारण से आप कह रहे हो कि इसने तो अल्प जाना, मतलब ब्रह्म के ऐसे अनेक रूप है क्या, आधा जाना 50% 75% 80+0.5%, क्या ब्रह्म के ऐसे अलग अलग रूप है क्या, किसने अल्प जाना किसने पूर्ण जाना, अनेकानि रूपाणि, ये प्रश्न किया एक एक शिष्य होगा या भाष्यकार। हम सब लोगों के मन में जो ये प्रश्न आ सकता है तो वही उठा दिया, कल्पना कीजिए कोई पूर्व पक्षी है, उसने पूर्व पक्ष मतलब प्रश्न करने वाला, एक होता है पूर्व पक्ष एक होता है उत्तर पक्ष, तो जो सिद्धांती का जो पक्ष होता है उत्तर पक्ष, और उसके ऊपर जो शंका करता है संशय उठाता है प्रश्न करता है वो पूर्व पक्ष। तो जब ये वचन सुना कि भाई आचार्य कह रहे अल्प आपने जाना है, तो एकदम उसने प्रश्न किया क्या आत्मा या ब्रह्म के अलग अलग रूप होते हैं क्या, कोई अल्प जानता है कोई पूरा जानता है। भाष्यकार कहते बाढ़म, बहुत सुंदर, शाबाश, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये बाढ़म संस्कृत में किस अर्थ में आता है, शाबाश, वेरी गुड, ये बाढ़म से ही लगता है बढ़िया बना होगा, बढ़िया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखिए ये है अपना सनातन धर्म, जहां पर प्रश्नकर्ता को भी एनकरेज किया जाता है, उसको भी उत्साहित किया जाता है, चलो बहुत अच्छा प्रश्न। गीता में भी बार बार ये आता है, अर्जुन के प्रश्न से भगवान नाराज नहीं होते कि हम इतना बता रहे हैं और देखिए आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, असंशयम महाभागो मनोनिग्रहम दुर्निग्रहम चलम। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि मन बड़ा चंचल है कैसे इसको रोके, तो भगवान ने ये नहीं कहा अरे तुमको इतना हमने बताया अभी भी तुम्हारा यही प्रश्न है, भगवान के सही असंशय नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है कि मन जो है वो चंचल है। तो देखो भगवान ने वहां उत्तर दिया है प्रसन्न हो, यहां पर भी कहते बाढ़म, ठीक है आपने अच्छा प्रश्न किया है। तो बोले देखो इसका उत्तर ऐसा है कि अनेकानी ही नाम रूप उपाधि कृतानी ब्रह्मणो रूपाणी, बात ऐसी है अनेक उपाधि के कारण ये जो एक ब्रह्म है वो अनेक रूप से क्या होने लगता है, दिखने लगता है, न स्वतः, स्वतः तो ब्रह्म एक ही एकमेवा द्वितीयम्, लेकिन उपाधियों के कारण उसके भेद हो जाते हैं। जैसे एक ही अभिनेता होता है वो अलग अलग वेश को धारण करके अनेक अनेक रूप में भासने लगता है, दिखने लगता है, कभी तो नायक है कभी खलनायक है कभी वो विदूषक है। अभी तो बोले पिछले इसमें राजा बना था अभी एकदम नौकर बन गया,
अच्छा, और जो बढ़िया अभिनेता होता है उसमें ये गुण होते हैं, जो भी उसको भूमिका दी जाए उस भूमिका में बिल्कुल प्रवेश करके बिल्कुल वैसा ही लगता है, वही असली अभिनेता है ना। तो उदाहरण क्या है, एक ही अभिनेता अनेक उपाधि वेश के चलते अलग भासता है तद्वत। अच्छा, स्वतः तो एक ही होता है ना, वो न स्वतः, वो अनेक नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्म भी स्वतः निरुपाधिक है, अलग अलग उपाधियों के कारण उसमें अलग अलग रूप दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए यहां पर उपाधि शब्द आया है, तो उपाधि क्या है थोड़ा सा बोल देते हैं, क्योंकि अनेक श्रोता लोग नए हैं जिनको नहीं जानते, नहीं कभी ये शब्द सुने, परिचित नहीं है। समाज में उपाधि का अर्थ पदवी होता है ना, कोई उपाधि दी जाती, पदवी दी जाती है, लेकिन यहां पर उपाधि शब्द का एक बिल्कुल पारिभाषिक अर्थ है, इसको थोड़ा समझ लें। उपाधि के कारण एक ब्रह्म अनेक हो जाता है, बट व्हाट इज उपाधि। तो उपाधि में दो शब्द है, उप और आधि। उप मतलब होता है समीप, निकट, पास में, और आधि जो शब्द है वो बना हुआ है आध धातु से, उसका अर्थ होता है रखना, आधान करना, आरोप करना। पहले उदाहरण हम देते हैं, जैसे बिल्कुल प्रसिद्ध उदाहरण है, शास्त्रों में यही आता है उदाहरण, उसे हजारों उदाहरण है, लेकिन स्फटिक का शिवलिंग है, स्फटिक बिल्कुल, उसमें कोई रंग नहीं है, क्रिस्टल है, हाँ क्रिस्टल क्या बोलते हैं, रंगहीन। अब उस रंगहीन शिवलिंग के ऊपर आप यदि लाल फूल रखें, जपा कुसुम लाल पुष्प, तो वह जो शिवलिंग है वो लाल रूप में दिखाई देने लगता है। तो एक दिन हमने पूजा की, लाल फूल चढ़ाया, अब दूसरे दिन फिर हम मंदिर हमने खोला, अब फिर साफ सफाई की, अब वो जो लाल फूल है वो हटाया, फिर शिव जी का अभिषेक किया, और आज जो है हमने पीला पुष्प उनके ऊपर अर्पित किया, अब शिवजी कैसे दिखने लगे, पीले। तीसरे दिन कोई नीला पुष्प, तो लाल पीला नीला अलग अलग रंग का जो पुष्प है वो उसके ऊपर रखा गया, और उसके कारण क्या हुआ, एक ही शिवजी अलग अलग रंग में भासने लगे, दिखने लगे। तो क्या किया, ये फूलों ने अपने अपने रंगों का आधान कर दिया, शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे आधान, आरोप, और उसके कारण एक ही शिवजी अलग अलग रंग में दिखने लगे। तो अब यहां पे जो फूल है इसको बोलेंगे उपाधि, क्या उपाधि, और जिससे ये उपाधि जुड़ती है या जिसके ऊपर उपाधि रखी जाती है उसको बोलते हैं उपहित, उपहित। तो पुष्प से उपहित होकर शिवजी क्या दिखने लगे, रक्त वर्ण, नील वर्ण, तो ये हो गई उपाधि। अब इसको संस्कृत में यदि एक वाक्य बनाया जाए तो होता है उप समीपे स्थित्वा, उप का अर्थ है समीपे स्थित्वा, आधि, आधि मतलब आधानम, तो आगे आप लिख सकते हैं स्वगुणस्य धर्मस्य अन्यस्मिन आधानम, ये पूरा वाक्य होगा, स्वगुणस्य धर्मस्य अन्यस्मिन
आधानम, अन्यस्मिन मतलब अन्य में आधानम डाल देना। तो उपाधि मतलब एक ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तु के पास में रहकर अपने गुणधर्मों को दूसरे में डाल देती है। तो स्वगुणस्य धर्मस्य, लाल गुण किसका है, फूल का है, पीला गुण फूल का है, वो डाल दिया उसने। अच्छा मजेदार बात यह है कि वास्तव में वो डालती भी नहीं है, ध्यान से सुनो, ये जो उपाधि है वास्तव में वो लाल पीला उस शिव जी को नहीं बनाती, बनाती हुई सी हमको लगती है। ये उपाधि ऐसी बड़ी मजेदार बात है, पास में रहती है और ऐसा लगता है मानो कि उसने दूसरे को अपने रंग में रंग दिया, लेकिन होता नहीं। वो लाल फूल को हटा दिया जाए तो कहां है शिवजी लाल, आरोप होते हैं केवल आरोप। ये तो क्या हुआ उदाहरण, ऐसे ही यहां पर कहते हैं अब शिवलिंग के जगह रख दीजिए ब्रह्म को और फूल की जगह रख दीजिए सारी उपाधियां, ये शरीर मन इत्यादि ये सब क्या है, उपाधि है, आत्मा के साथ रहती है, लगता है कि आत्मा तत्त गुण वाला हो गया लेकिन वैसा होता नहीं, भासता है। इसलिए नानोपाधि वशादेव जाति वर्णाश्रमादय, आत्मबोध में श्लोक आता है, आत्मबोध एक ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित, तो उसमें इसी का वर्णन करते हैं कि अनेक उपाधियां हैं, अनंत उपाधियां हैं, जाति वर्ण आश्रम आयु लिंग मालूम नहीं कितने तरह के, वो उपाधि के कारण आत्मा बेचारा अलग 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 रूप से दिखने लगता है, आत्मा ही ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि कहलाने लगता है, आत्मा ही हिंदू मुस्लिम कहलाने लगता है, आत्मा ही क्या है, लंबा है छोटा है गोरा है काला है, आत्मा ही शांत अशांत, ये सारे धर्म वास्तव में उपाधि है। आत्मनि आरोपितास्तोये रसवर्णादि भेदवत्, आत्मबोध का पूरा श्लोक, नानोपाधि वशादेव जाति वर्णाश्रमादय आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादि भेदवत्। इसे पानी एक ही है, पानी में आप जो रंग डालो वैसा रंग हो जाता है, जो स्वाद डालो, नमक डालो तो खारा हो जाएगा, शक्कर डालो तो मीठा हो जाएगा, नींबू निचोड़ दो तो वो खट्टा, स्वतः कैसा है पानी, उसमें कोई स्वाद नहीं है। तद्वत् अब देने एक ही पानी के कितने ये हो जाते हैं अलग अलग तरह के ड्रिंक्स, शरबत अलग अलग फ्लेवर के, तो ऐसे यहां पर अनेकानि रूपाणी ब्रह्मण, ब्रह्म के अनेक रूप हो जाते हैं, न स्वतः हो गया। तो इसलिए जो आपका प्रश्न है कि क्या ब्रह्म अल्प महान आधा पूरा ऐसा जाना जाता है, बोले हाँ देखा जा सकता है उपाधि के चलते, हो गया। और इसी को और स्पष्ट करते हैं, स्वतः स्तु अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत इति, शब्दादि भी सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते,
अब ये श्रुति उद्धरित करके यहां पे भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म का स्वतः रूप क्या है, तो बोले न तो उसमें शब्द है। देखो निरुपाधिक वर्णन कर रहे हैं हम लोग जो तपोवन षटकम बोलते हैं चिन्मय मिशन में, पूज्य गुरुदेव के गुरु जी हमारे परम गुरु स्वामी तपोवन जी महाराज, तो तपोवन षटकम आप पढ़ते होंगे, आपको याद भी होगा, यदि नहीं याद है तो याद कर लीजिए, पढ़िए उसको। उसमें पूरा आत्मा का ही वर्णन है। तपोवन जी महाराज मतलब ब्रह्म ही है। व्याप्तम जगत्तेन चिदात्म भावा रच्वा यथा, पूरा पढ़िए तो उसमें ये पंक्ति आती है, अशब्दम स्पर्शम रूपवच्च तथा रसम नित्यम गंधवच्च। बोले ये ब्रह्म तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे रहित है, पंच विषय उसमें नहीं है, हो गया। शब्दादि भी सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते, सारे उपाधियों का वहां क्या किया गया है, निषेध। तो शब्दादि विषय नहीं है, शरीर त्रय नहीं है, पंचकोश नहीं है, स्वतः उसमें कुछ नहीं है, लेकिन इन सबको शास्त्र की भाषा में उपाधि कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति टोपी पहनता है तो अब क्या कहलाता है, वो टोपी वाला। चश्मा पहनता है तो चश्मा वाला। छाता लेके जा रहा है तो छाता वाला। तो टोपी चश्मा छाता ये सब क्या हो गया, ये उपाधि। अच्छा, और ये उपाधियां तो हमेशा उसके साथ जुड़ी नहीं रहती, ऐसा थोड़ी होगा कि हमेशा वो छाता लेके ही रहेगा। किसी व्यक्ति की पहचान यही हो जाए कि छाते वाला, हाँ मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज विद छाता, जब भी निकलता है घर से बाहर छाता लेके। लेकिन ऐसा तो नहीं कि छाता उसका अवयव है, कोई रख देता है। ऐसे ही ब्रह्म ये शरीर आदि के कारण स्त्री पुरुष के रूप में देखा जाता है, पशु पक्षी वनस्पति जैसा जैसा शरीर वो ब्रह्म धारण करता है वैसा वैसा दिखता है, लेकिन स्वयं अशब्दम अस्पर्शम अशरीरम अमनस्त्वात्मेरागत द्वेषादि भयादय। बोले इस आत्मा में राग द्वेष इत्यादि नहीं है। बोले ये सब किसके गुण है, मन के हैं। लेकिन मन जब आत्मा से एकदम जुड़ जाता है, जुड़ सा जाता है, जुड़ता तो नहीं है, तो तत् तत् रूप में वो ब्रह्म दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही यहां पर कहते हैं ये उसका निरुपाधिक रूप है, इति शब्दादि भी सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते, हो गया। तो जो तुम्हारा प्रश्न था उसका उत्तर हमने दे दिया, सोपाधिक भी है वो और स्वतः निरुपाधिक है। अब इसके ऊपर आगे थोड़ा और चिंतन करते हैं। यहां एक प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने। पूर्व पक्षी कहता है कि आत्मा का वर्णन जो है ना वो कैसे हुआ है वेदों में उपनिषदों में, तो थोड़ा उसका वर्णन करके वो ये सिद्ध करना चाह रहा है कि यदि वो निरुपाधिक है, आप ही कह रहे हैं उसमें कोई उपाधि नहीं है, तो फिर हमेशा ही उसको निरुपाधि क्यों होना चाहिए। बोले हाँ निरुपाधिक है, लेकिन सोपाधिक रूप से भी वो भासता है, दिखता है। अब ये यहां पे वर्णन है, तो ब्रह्म के दो स्वरूप हो गए, निरुपाधिक सोपाधिक। अब देखिए पहले जरा पढ़ते हैं ननु। ये ननु जब आता है, ननु का अर्थ है कुछ ना कुछ शंका है, प्रश्न है। तो यहां पर पूर्व पक्षी अपना पूरा एक मत रखता है और फिर निर्णय देता है।
देखो, ननु येनैव धर्मेण तद्रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपमिति। बोले जगत में ये देखा जाता है कि जिसका जो धर्म होता है वही उसका रूप होता है, उसी रूप में वो पहचाना जाता है, जिसका जो धर्म होता है। अब जैसे शक्कर का धर्म क्या है, मिठास है, तो शक्कर की पहचान क्या है, बोले जो मीठी है वो शक्कर है, जो उष्ण है वो अग्नि है, तो ये उसका क्या है, गुण है, उसके अनुसार उसकी पहचान होती है, उसका रूप का निर्धारण होता है। तो यद रूप्यते तदैव तस्य स्वरूपमिति। तो बोले ऐसे ही अब ब्रह्म की जब आप चर्चा करते हैं तो ब्रह्म का भी कोई एक गुण है, कोई उसकी स्वरूप है, उससे उसकी पहचान होती है। बोले हाँ होती है। तो उसको कहता है ब्रह्मण उपी येन विशेषेण निरूपणे निरूपणम तदेव तस्य रूपम स्याद उच्चते। बोले ब्रह्म का जो विशेषण होगा या ब्रह्म का जो गुण होगा उससे ही उसकी पहचान होती है। हाँ बिल्कुल होती है। तो खुद ही कहता है पूर्व पक्षी, बोले ब्रह्म की पहचान किस रूप में है, चैतन्य रूप में है। हाँ बोले चैतन्यम, जिसे अग्नि का धर्म उष्ण है, शक्कर का मिठास है, आकाश शब्द गुणकम, आकाश वायु अग्नि सबके एक एक बताए ना धर्म। तो ऐसे ही ब्रह्म का क्या धर्म है, तो बोले चैतन्य है। तो ये उसका क्या हो गया, विशेषता हो गई, ये उसका एक धर्म हो गया ब्रह्म का। बोले हाँ ठीक है। और वो खुद कहता है कि पृथिव्यादीनाम अन्यतम अस्य सर्वेशाम विपरीतानाम वा धर्म न। बोले ये जितने जड़ पदार्थ है पृथ्वी आदि, हाँ पृथ्वी वायु अग्नि जल आकाश इत्यादि, ये चेतन नहीं है, क्योंकि वो तो आपको जड़ के रूप में अनुभव आते हैं, उनको कोई भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो भेद हो गया, ब्रह्म कैसा है, चेतन है, उसके अलावा कैसे है सब चीज, जड़ है। बोले हाँ ठीक है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। अच्छा जब आप कहते हैं ब्रह्म चैतन्य है तो जरा इस चैतन्य का भी अर्थ पक्का कर ले। अब जो लोग नए श्रोता है कई बार वो लोग चैतन का अर्थ समझ लेते हैं ऊर्जा एनर्जी, गलत है वो। या कई बार चेतन का अर्थ लोग समझ लेते हैं क्रिया एक्टिविटी, चेतन का अर्थ क्रिया नहीं होता न ऊर्जा होता है, चैतन्य का अर्थ होता है ज्ञान भान अवेयरनेस। जैसे टेबल जो है जड़ है और एक पशु पक्षी मनुष्य चेतन है, क्यों, टेबल कुर्सी नदी ये सब जड़ है, क्यों, क्योंकि उनको अपनी सत्ता का भान नहीं है। ये जरा क्लियर करके रख लीजिए, नहीं तो नदी तो बड़ी चंचल है तो बोले अरे कितनी चेतन है वो, नो 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 नो, हवा चेतन है क्योंकि हिल रही है, हिलना धर्म नहीं है, चेतन लक्षण नहीं है। पंखा घूम रहा है बोले चेतन है, नो, जिसको अपने सत्ता का भान है वो है। चींटी जो है चेतन है और पर्वत जो है वो जड़ है। बोले इतने बड़े पर्वत को आप जड़ कह रहे हैं, यस, पृथ्वी को यहां बोला कि नहीं। तो ब्रह्म या आत्मा चेतन है, इसका मतलब भान रूप है, ज्ञान रूप है, तो चैतन्यम ये हो गया ब्रह्म का धर्म। उसके अलावा पृथ्वी और उसके जितने विकार है वो सब क्या है, चेतन नहीं है। बोले हाँ ठीक है। तथा अगली पंक्ति देखिए, तथा श्रोता श्रोत्रादीनाम अंतकरणम
अस्य च धर्मः न भवति। ऐसे आप देखते हैं श्रोत्र अंतकरण ये सब भी क्या है, जड़ है, तो ये भी आत्मा नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म का रूप नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मणो रूपम इति ब्रह्म रूप्यते चैतन्येन। ब्रह्म का निरूपण कैसे होता है, बोले ब्रह्म वो है जो चेतन है। उत्तर पक्षी कहता है ठीक है, तो आप कहना क्या चाह रहे हो। अरे बोले सुनिए तो सही पूरा, ये अभी तक पूर्व पक्षी का पूरा अपना वक्तव्य ही चल रहा है। उसने कहां से शुरुआत किया कि किसी भी वस्तु की पहचान उसके गुण धर्मों से होती है और वही उसका स्वरूप होता है। तो ब्रह्म का गुण या धर्म क्या है, चेतन है, तो चैतन्य के रूप में ही उसकी पहचान है, उसका ज्ञान है। ठीक है, तो उसके अलावा जितनी चीजें हैं वो जड़ है। ठीक है, अच्छा अब पूर्व पक्षी कहता है कि यह जो हमारा मत नहीं है, ये सारे उपनिषद भी कहते हैं कि ब्रह्म कैसा है। तो देखो तथा च उक्तम विज्ञानमानंदम ब्रह्म, ये श्रुतियों को उद्धरित कर रहा है। ब्रह्म कैसा है, विज्ञानम आनंदम, विज्ञान घन एव, घनीभूत ज्ञान है, मतलब जहां जड़ता का कोई प्रश्न ही नहीं, भान रूप है। फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम, यह अगली श्रुति, प्रज्ञानम ब्रह्म, तो ये सब के सब ब्रह्म को दिखाने वाले। इति च ब्रह्मणो रूपम निर्दिष्टम श्रुतिषु, श्रुतियों में ब्रह्म का इस तरह से निर्देश हुआ है। बोले ठीक है, तो इससे हम ये आपको कह रहे हैं, देखो अब निर्णय, इससे समझना क्या, इतना ये उसका प्रवचन उसने दिया, उससे बताना ये चाह रहा है वो कि ब्रह्म का जो स्वरूप है वो निरुपाधिक ही है, उसको निरुपाधिक के रूप में ही पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। ये सोपाधिक रूप जो है ये तो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि श्रुति में वर्णन क्या आया, सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि, आनंद रूप है, चैतन्य रूप है। देखो ध्यान से सुनना है पूर्व पक्षी का प्रश्न, तो ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है तो उपाधि की चर्चा क्यों कर रहे हैं। और आप खुद ही कह रहे हैं उसमें उपाधि नहीं है, तो ये जो आपने बोला कि ब्रह्म के दो रूप होते हैं निरुपाधिक और सोपाधिक, देयर इज नो नीड टू डिस्कस अबाउट सोपाधिक ब्रह्म। बात पकड़ में आ रही है, आप ही कह रहे हैं अशब्दम स्पर्शम रूप, उसमें न शरीर है न मन है न बुद्धि है, वो केवल चैतन्य है, केवल भान रूप है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, तो उपाधि के सहित उसका वर्णन क्यों करना। भाष्यकार ने कहा सत्यम एवं, बोले आपने जो भी कहा एकदम ठीक है, बिल्कुल बढ़िया आपने बात कही, एकदम बढ़िया से आपने ब्रह्म को समझा है, बढ़िया है, उसमें कोई दोष नहीं है, जो आपने श्रुतियां भी उद्धरित की ठीक है। लेकिन मतलब एक वक्त लाइन बोल के पूर्ण करते हैं, सत्यम एव ठीक है ये सब कुछ, तथापि फिर भी, तद अंतकरण देह इंद्रिय उपाधि द्वारेण विज्ञानादि शब्द ही निर्दिश्यते। भाष्यकार ने उत्तर दिया, बोले आप सब कह रहे ठीक है, लेकिन तथापि बात ये है कि ये सत ब्रह्म चैतन्य ब्रह्म, इसकी उपलब्धि, ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात, इसकी उपलब्धि यदि हमको करनी है
तो देह इंद्रिय की उपाधि के द्वारा ही होती है। आत्मा का अनुभव पे हवा में नहीं होगा, कहां होगा? यहां होगा। तो अंतकरण और ये उपाधियां क्या है? उपलब्धि द्वार है। वेयर टू फाइंड दैट ब्रह्मान, तो उसके लिए उपाधि की आवश्यकता है। ये जरूर है कि उसमें उपाधि नहीं है, लेकिन उपाधि के द्वारा ही ब्रह्म को हम समझ सकते हैं। अब जैसे उदाहरण हम देते हैं, तपोन जी महाराज के उदाहरण है, किसी शिष्य को कहा कि पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, तो उसने एक गिलास में पानी लेके आया। तो महाराज जी बोलने लगे, हमने तो बोला था आपको पानी लाने के लिए, गिलास क्यों लाए? अब आपको पानी को कैसे लाएगा? पानी पीना है तो एक पात्र चाहिए ना। ये ठीक है कि पानी पात्र नहीं है, लेकिन पात्र वो माध्यम है, वो साधन है जिसके द्वारा पानी को हम पी सकते हैं, पानी को यहां से वहां लाया जा सकता है। तो पात्र की भी भूमिका है कि नहीं है? बढ़िया उदाहरण। एक्चुअली किसी ने प्रश्न किया था तो तपन जी ने ये उदाहरण दिया, यही कि निरुपाधिक निरुपाधिक है तो सोपाधि की क्या जरूरत? तो बोले बस यही, बिना गिलास के आप पानी नहीं पी सकते। तद्वत्, तो यहां पर भाष्यकार वही कहते हैं, कल इसका विस्तार से हम अर्थ देखेंगे। तद अंतकरण देह इंद्रिय उपाधि द्वारेण एव, इन उपाधियों के द्वारा ही ये जो ऊपर की जो श्रुतियां जो बता रही है, चैतन्य है ब्रह्म, आनंद ब्रह्म है, उसका अनुभव हो सकता है। इसलिए सोपाधिक वर्णन भी शास्त्रों में आता है। ठीक है, कल इसको अच्छे से। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।